नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 फरवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल मिलेगी। हमारे ऑनगोइंग अपकमिंग कोर्सेज सभी मिनिमल प्राइजेस पर आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल ऐप है दोस्तों, जहां पर आपको सभी प्रकार की चीजें अंडर दी वन रूफ मिलेगी, जैसे कि फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट। ये सभी चीजें अंडर दी वन रूफ आपको मिल जाएगी, राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रही। श्री सर्बानंदा सोनोवाल इनॉग्रेट्स नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, राइट? तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्बानंदा सोनोवाल जी हैं, उन्होंने बेसिकली नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल को क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया है। तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल इनॉग्रेटेड द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन इन न्यू दिल्ली, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि किसने इनॉग्रेट किया, कहाँ पर इनॉग्रेट किया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये न्यू दिल्ली में यहाँ पर क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है? It is a one-step platform aimed at connecting all the stakeholders of the logistic community using IT, right? तो basically यहाँ पर दोस्तों जो portal है, ये जो portal है National Logistic Portal, ये basically जितने भी आपकी marine logistic companies हैं उनको एक platform पर लेकर आना है साथ में, और यहाँ पर इसके लिए एक single window भी रहेगी जहाँ पर वो trade कर पाएंगे, ठीक है? वाटरवे, रोडवे, एयरवेज सब कुछ यहाँ पर रहेगा, ऑल द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? तो ये बहुत अच्छा एक सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पर इन्होंने बनाया, सिंगल विंडो यहाँ पर इन्होंने बनाया, जिससे जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे हवा है, जमीन है और पानी है, उस पर ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ जब ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और उसका रिड्यूस भी वहाँ पर कॉस्ट भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और ग्रोथ को वहाँ पर क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको इधर क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बनने की कोशिश में रहता है कि कहाँ पर फंसाया जाए बच्चों को। तो आप क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका है इसका बुलेट पॉइंट्स बनाने का, आप बुलेट पॉइंट्स बनाइए, ठीक है? डिटेल जो होती है वो आप वाइल द वीडियो आप जब मेरे साथ पढ़ रहे हैं तब पढ़ लीजिए, बट पढ़ते पढ़ते उसका क्या कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स बना लीजिए, जो बिंदु होते हैं वो बना लीजिए, बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। उससे क्या होगा, जब रिवाइज आप करेंगे तो कम टाइम लगेगा और स्मार्ट वर्क आपका होगा, राइट? अब इस पर आपका दोस्तों क्या क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखते हैं। तो हु अमंग फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन, तो करेक्ट हो जाएगा जैसे कि आपको मैंने बताया, सर्बानंदा सोनोवाल, राइट? इसकी जगह प्लेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, तो वो एक और दोस्तों क्या था, फेस था जहां पर आपका क्वेश्चन बन सकता था। आगे चलते, न्यूजीलैंड टू इंट्रोड्यूस डेबी एच मेडल टू ऑनर वुमेन क्रिकेटर्स। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अनाउंस किया है, आउटस्टैंडिंग वुमेन्स क्रिकेट विल बी ऑनर्ड विद द इनॉग्रल डेबी हॉकी मेडल एट दिस ईयर एनुअल क्रिकेट अवार्ड सेरेमनी, एंड डेबी रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स ड्यूरिंग हर प्लेइंग डेज एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट टू हैव प्लेड द गेम, राइट? 118 ODIs इन्होंने खेले हैं, 19 टेस्ट, और दोस्तों फ्रॉम 1979 से लेकर 2000 तक ये न्यूजीलैंड टीम में बैटर के रूप में यहाँ पर रही हैं। शी विल प्रेजेंट द न्यू अवार्ड इन पर्सन एज अवार्ड्स नाइट, एंड शी आल्सो स्कोर्ड 4000 प्लस रन्स इन ओडीआईज एट 41.89 ऑफ एवरेज, राइट? तो यहाँ पर इन्होंने करीबन 54 विकेट्स भी लिए, 34 हाफ सेंचुरीज मारी और 4 शतक यहाँ पर इन्होंने जड़े, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, फोटो आप इनके यहाँ पर देख पा रहे हैं और इनके नाम पर यहाँ पर अवार्ड दिए जाएंगे, राइट? अच्छा, विच कंट्री हैज अनाउंस टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डेबी हॉकी हॉकी मेडल टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग फीमेल क्रिकेटर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर न्यूजीलैंड, राइट? आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की।
वॉक्सन यूनिवर्सिटी लॉन्च प्रोजेक्ट एस्पिरेशन फॉर गर्ल्स इन तेलंगाना. तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट एस्पिरेशन वॉज लेड बाय पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ वॉक्सन यूनिवर्सिटी एंड मेंटोर्ड बाय डॉक्टर काकुली सेन, डीन ऑफ द स्कूल ऑफ बिजनेस एंड डॉक्टर शुभेंदु पटनायक. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने खुद से आपको यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं दोस्तों बनाकर, ताकि जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा. इट विल हेल्प टू डेवलप द स्मार्ट गोल्स एंड लर्न हाउ टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग देम. एंड द प्रोफेसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स हैव वर्क्स एंड ब्रीफ द स्टूडेंट्स ऑन वेरियस एवेन्यूज ऑफ हायर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज. And the project aspiration team has organized various debates, discussed crucial social issues and open up your young minds, right? तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों क्या है, डिबेट के थ्रू प्रोज एंड कॉन्स जानना किसी चीज का. और ये जो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन है वो बेसिकली यहाँ पर गर्ल्स को फोकस कर रहा है. एंड इट इज लॉन्च बाय वॉक्सिन यूनिवर्सिटी और ये इंडिया के तेलंगाना स्टेट में यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखने को आपको कैसे मिल सकता है, तो वॉक्सिन यूनिवर्सिटी इज लॉन्च द प्रोजेक्ट एस्पिरेशन बेसिकली फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ क्लास 9 to 12 ऑफ मॉडल स्कूल एंड जूनियर कॉलेजेस ऑफ इन विच स्टेट. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना. आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की. तो यहाँ पर जीआरएसी ने साइन किया है पैक्ट रोल्स रॉयस के साथ मरीन डीजल इंजन. आपको पता होगा रोल्स रॉयस जो होती है दोस्तों उसमें नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलता है और नॉर्मल डीजल नहीं डलता है. जो शिप्स में जो डीजल डलता है ना दोस्तों वो रोल्स रॉयस में डलता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. कुछ नाम भी उसका होता है, मुझे अभी याद नहीं हो रहा है, डेफिनेटली कमेंट कर देंगे आपको उस नाम पर. बट जो डीजल है वो बहुत ही अद्भुत प्रकार का डीजल है, रॉयल्स रॉयस में डलता है, ठीक है. तो डिफेंस पीएसयू गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रॉयल्स रॉयस सॉल्यूशंस ऑफ जर्मनी ऑफ मैन्युफैक्चर हाई क्वालिटी मरीन डीजल इंजिन्स एट द फॉर्मर प्लांट्स इन रांची एंड ऑफिशियल सेड. दिस एमओयू डील्स विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इंजन असेंबली पेंटिंग पार्ट सोर्सिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ दीज इंजन आर टू बी असेंबल्ड इन जी आर ए सी, राइट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझें कि यहाँ पर जी आर ए सी ने किसके साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है, तो रोल्स रॉयस के साथ दोस्तों. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द मैरीटाइम इंजन, राइट. किसके लिए, मैरीटाइम और मरीन इंजन आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है. आगे चलते हैं, क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकता है आप लोगों का. तो गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स असाइंड एन एमओयू विद रोल्स रॉयस सॉल्यूशंस ऑफ जर्मनी टू लोकली मैन्युफैक्चर द मरीन डीजल इंजन, राइट. तो प्लीज इसे आप मार्क डाउन करें. आगे चलते हैं न्यूज नंबर 5. हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं. एयर मार्शल एपी सिंह टू बी न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स. क्या है दोस्तों ये, तो एयर मार्शल एपी सिंह has been appointed as a new Vice Chief of Indian Air Force and he will succeed Air Marshal Sandeep Singh who will retire from service. Air Marshal AP Singh is currently serving as the Air Officer Commanding in Chief of the Central Air Command and he will take charge as a Vice Chief on 1st of February 2023 and he was commissioned into a fighter stream of IAF on December 21st, 1984. So, here it is very important because appointment ka segment is my favorite segment and it is very important segment of current affairs. So, here Air Marshal AP Singh ko new Vice Chief of India Air Force banaya gaya hai. ठीक है, फोटो यहाँ पर हम डेफिनेटली आपको इनकी दिखाएंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना की हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एयर मार्शल एपी सिंह. आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर. यूनिलिवर अपॉइंट्स हिन स्क्यूमाशर एज न्यू सीईओ. तो यूनिलिवर ने यहाँ पर अनाउंस किया अपना नया CEO जिनका नाम है हेन सुमासर एंड ही विल रिप्लेस एलन जोप. ठीक है, किसको, एलन जोप को यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया है. वो अनाउंस्ड इन September 2022 इन इंटेंशन टू रिटायर फ्रॉम यूनिलिवर एंड हेन इज करेंटली सीईओ ऑफ ग्लोबल डेयरी एंड न्यूट्रिशन बिजनेस रॉयल फ्रिजलैंड कैपिना, राइट. थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड इनका मैंने यहाँ पर बताया आपको ताकि आपको पता चले कि क्या बैकग्राउंड से ये रिलेट करते हैं. और अपॉइंटमेंट है डायरेक्टली, आप इनकी फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, और इनका अपॉइंटमेंट पर इनका नाम या फिर इनकी कंपनी का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो डैश हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हेन स्क्यूमासर एज द न्यू सीईओ एंड द करेक्ट विल बी योर यूनिलिवर. आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर.
ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनंद देसाई एंड ऑथर्ड अ बुक टाइटल द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो इंडिया बॉर्न न्यूट्रलाइज्ड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनंद देसाई हैज अप्रूव्ड और ऑथर्ड न्यू बुक टाइटल एज द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर विच हाईलाइट्स हाउ द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स सिंस टाइम इट इज इवॉल्व इन द लेट 18th सेंचुरी राइट। बुक्स एंड ऑथर्स पर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मैच ऑफ मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग पर क्वेश्चन आ सकता है या फिर बुक पूछकर ऑथर का नाम पूछेगा ऑथर लेकर बुक का नाम आपसे पूछ सकता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक दिखाया है एक दोस्तों पैटर्न यहाँ पर बताया क्या एमसीक्यू ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स पर बनता है। तो नेम द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर। तो करेक्ट हो जाएगा आपका मेघनंद देसाई। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंडिया G20 शेरप्पा अमिताभ कांत इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट। क्या है दोस्तों इंडिया G20 शेरपा अमिताभ कांत इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट ऑर्गेनाइज बाय राम भाव मगलाय प्रबोधनी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड द टू डे मॉडल G20 समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज इन राम भाव मगलाय प्रबोधिनी उत्तम कैंपेस इन मुंबई राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे इनॉग्रेट किसने किया है। और मैं बता दूं आपको जो G20 समिट इंडिया इस बार होस्ट करने वाला है बजट के दौरान काफी चर्चा यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कल हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों के बजट पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं है ना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बजट पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट पर मेरे द्वारा करीब करीब 50 से 1 घंटे का वो वीडियो है लेकिन बजट का हर एक पॉइंट उसमें बिल्कुल डेप्थ में जाकर डिस्कस किया हुआ है कि क्वेश्चन बनेगा तो आप वहां से पिकअप ले सकते हैं ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा है इंडिया G20 शेरपा इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट एंड हु इज इंडिया G20 शेरपा। तो करेक्ट हो जाएगा आपका अमिताभ कांत एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है लाडली बहना स्कीम। क्या है ये तो लाडली बहना योजना विल बी क्रिएटेड फॉर द पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास वुमेन ऑफ द स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कैटेगरी ऑन द ओकेजन ऑफ नर्मदा जयंती ऑन द सेक्रेड बैंक्स ऑफ नर्मदा देयर वर लाडली लक्ष्मी योजना फॉर गर्ल्स। What is the distinction between the general class, backward class, and a scheduled class or a tribal group? Sisters are sisters. And now those sisters will receive 1,000 each month. The funds will be deposited each month into the accounts of the recipients from every eligible family, enabling them to achieve financial independence. In every 5 years, it is predicted that this program will cost roughly 60,000 crores. Right? So, yahan par Madhya Pradesh ne dosto ek scheme launch ki hai, Ladli Behna scheme, irrespective of any caste, religion, sex. और सॉरी कलर एंड सेक्स सेक्स तो मतलब बेसिकली फीमेल यहाँ पर रहेगी बट यहाँ पर बता दूं आपको कि 1,000 रुपए हर महीना उनके अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट होगा जिसका कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट को 60,000 करोड़ रुपए सालाना पड़ जाएगा राइट। Notably, the state had previously seen Ladli Lakshmi Yojana and Ladli Lakshmi Yojana 2 to empower state's unprivileged women and the state government will now launch the Ladli Behna Yojana. Ladli Lakshmi Yojana is regarded as one of the state's most effective yojanas, right? So, इसीलिए यहाँ पर Ladli Behna scheme भी निकाला गया है MP के CM शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। आगे चलते हैं न्यूज नंबर यहाँ पर न्यूज नंबर 10 से पहले न्यूज नंबर 9 का एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ लाडली बहना स्कीम टू गिव 1,000 एवरी मंथ टू द वीमेन ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु डोंट पे इनकम टैक्स। तो करेक्ट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। आगे चलते दोस्तों बात करते हैं न्यूज नंबर 10 जो कि आज के हमारे सेशन की यहाँ पर लास्ट न्यूज रहेगी आपके और मेरे साथ। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के करंट अपडेट्स हैं यहाँ पर। इंडिया टू रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी जैसा कि बजट में भी कहा गया किसके द्वारा निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कि जो विजन है उनका जो विजन है जो ब्लूप्रिंट यहाँ पर बजट अनाउंस किया गया 1 फरवरी 2023 को 100 साल में आने वाला जो पाथ है वो इंडिया गो डेवलपिंग से डेवलप्ड लेकर जाएगा और 7% का इकोनॉमिक जो आपका इकोनॉमिक का जो एस्टिमेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज टेबल द इंडियाज एनुअल प्री बजट इकोनॉमिक सर्वे 2023 इन पार्लियामेंट एंड द इकोनॉमिक सर्वे हैज पेग्ड इंडियाज जीडीपी टू 6 to 6.8% अंडर द बेसिक लाइन सिनेरियो
This would be lowest in 3 years. Nominal growth is likely to be projected for 11% 23-24, right? तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। वैसे बजट की सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर लेकर आएंगे बजट के ऊपर। जैसे बजट का पहला वीडियो ऑलरेडी मिल चुका है आप लोगों को, दूसरा वीडियो बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा, और फिर कुछ एमसीक्यूज के वीडियो आपके साथ वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल इस पर एमसीक्यू आपका कैसे बनेगा, तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का जो एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ है वो आपको मिलेगा 6.5% के अराउंड, जिसको 7% भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये था पूरा वीडियो, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो नया जुड़ा है मेरे साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इन वीडियोस की लिंक नोटिफिकेशन फोन स्क्रीन पर आपके पॉप आउट हो जाए। शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टेलीग्राम पर डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।